सर वीडियो। आप सबका धन्यवाद और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारी वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। जो लोग इस वीडियो को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं वो स्पॉटिफाई पर भी इसे सुन सकते हैं और अन्य बहुत सारे वीडियोस के ऑडियोज वहां पर मौजूद हैं। 3 जनवरी से मेरा बेसिक कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी हिंदी में आने वाला है। जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इसकी सारी सूचना हमारी वेबसाइट पर भी है। तो आज हम बात करें एक एनर्जेटिक प्लैनेट की, यानी कि मंगल। मंगल को एक ऊर्जा ग्रह माना गया है और मंगल जहां भी बैठ जाए वहां अपनी ऊर्जा दिखाता है, वो या अपनी सारी ऊर्जा वहां लगा देता है, ये हम जानते हैं। दशम भाव जो हमारे जीवन ना हमारी राशि कुंडली का जो दशम भाव होता है, हम सोचते हैं कि वो केवल करियर से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वो तो हमारे D10 से हमें मालूम पड़ता है। लेकिन राशि का जो दशम भाव होता है वो हमारे कर्मों का भाव होता है, समस्त कर्मों का भाव होता है। और ऐसी स्थिति में यदि मंगल जो ऊर्जा का ग्रह माना गया है वहां बैठ जाए तो मनुष्य अपने कर्मों को सही करने में, अच्छा करने में हमेशा तत्पर रहता है और तटस्थ होकर मेहनत करते जाता है अपने कर्मों को आगे ले जाने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आज हम बात करेंगे दशम भाव की और मंगल की। यदि इसकी युति होती है तो मनुष्य किस प्रकार के कर्म कर सकता है। उससे पहले हम दशम मंगल का दशम भाव में क्या क्या योगदान है उस पर ध्यान देते हैं। मंगल जो ग्रह है काल पुरुष कुंडली में दशम भाव में, यानी कि शनि की राशि होते हुए भी और मकर राशि में उच्च का माना जाता है। केवल उच्च का ही नहीं, दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है क्योंकि पराक्रम का भाव है और मंगल जो है वो पराक्रमी ग्रह है, तो मनुष्य अपने पराक्रम जो है हर समय इन भावों में दिखाता है। हम यदि डिविजनल चार्ट्स की भी बात करें तो यदि किसी की कोई भी डिविजनल चार्ट में मंगल दशम भाव को दृष्ट करता है या दशम भाव से जुड़ जाता है, ऐसी स्थिति में उस डिविजनल चार्ट के प्रति मनुष्य बहुत तत्पर होकर काम करता है। जो भी कारक, जो भी बात वो डिविजनल चार्ट बता रहा होता है, चाहे वो D9 हो, D10 हो या D7 हो, इन सब बातों के लिए यदि मंगल दशम भाव से जुड़ता है तो मनुष्य अपनी वैवाहिक जीवन में अच्छे कर्म करने या बुरे कर्म, बाकी एस्पेक्ट्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत तत्परता से कर्म करता है, बात ये है। फिर दिग्बली होने के कारण मनुष्य उसको एक बल मिल जाता है जो षट बलों में से एक बल है, जिसके कारण वो बहुत तीव्रता से अपने जो रंग है उस भाव के साथ दिखाता है। साथ ही मंगल जो है वो काल पुरुष कुंडली में दशम भाव में तो उच्च का होता ही है, अपने ही नक्षत्र में उच्च का होता है, धनिष्ठ नक्षत्र में उच्च का होता है, अर्थात वो नक्षत्र जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे दोनों एक साथ आते हैं। तो जब मंगल दशम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी के साथ वो बहुत धन भी कमाता है। लेकिन इसमें एक बात देखना बहुत जरूरी है कि मंगल दशम भाव में भी होकर कौन से नक्षत्र में बैठा है। यदि नक्षत्र ऐसा हो कि वो मनुष्य को पद भ्रमित करे या उसका उसकी दृष्टि कहीं और लेकर जाए, ऐसी स्थिति में मनुष्य खोजबीन में लगा रहता है, अपनी एनर्जीज को कहीं और लगा देता है या उनको उनका व्यय कर देता है लेकिन अपने संकल्प तक नहीं पहुंच पाता। तो नक्षत्र को भी हमें देखना बहुत जरूरी है और हम आने वाले चार्ट्स में नक्षत्र भी देखेंगे। फिर एक बार आप लोगों के लिए, मंगल ऊर्जा का ग्रह माना गया है, काल पुरुष कुंडली के दशम भाव में मंगल को उच्च का माना गया है और दशम भाव का मंगल जो है वो उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बल मिलता है। साथ ही मंगल जो है वो अपने ही नक्षत्र में, यानी कि धनिष्ठ नक्षत्र में उच्च का होता है और वो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे दोनों ही देना जानता है। फिर एक चीज और हमें ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट से हमें प्राप्त हुई, लेकिन एक बहुत सुंदर बात जो मैं आप लोगों के साथ सारावली की जो
हमें पांचवे अध्याय से मिलता है कि यदि कोई भी ग्रह विषम राशि में बैठे तो ऐसा जो ग्रह होता है वो बहुत पराक्रमी हो जाता है, साहसी हो जाता है और मनुष्य को आगे बढ़ के काम करने की इच्छा या चेष्टा देता है। अब मंगल स्वयं में बहुत पराक्रमी ग्रह है, स्वयं में साहसी ग्रह है, तो इसकी जो क्वालिटीज में है यदि ये कोई विषम राशि में बैठ जाए तो इसकी क्वालिटीज में चार चांद लग जाते हैं। आए चले हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर मंगल विषम राशि में बैठकर और साथ ही एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट एक नक्षत्र में बैठा होने के कारण, दिग्बली होने के कारण बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, एक सामान्य परिवार से बढ़कर आगे आने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की राजनीति की बागडोर संभाली और हमें एक बहुत सुंदर रास्ते पर पथ पर का मार्गदर्शन किया। उनका जो मंगल है वो लग्न का स्वामी भी है और षष्ठम भाव पराक्रम का, चेष्टा का और जो विपदा अपदा आती है रास्तों में उनसे आगे बढ़कर निकलने के भाव का भी स्वामी है और दशम भाव में वो केतु के नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु का ये मघा नक्षत्र जो है वो मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल बनाता है और लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने की उसमें इच्छा जागृत करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन यदि हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने कभी भी अपने लिए, अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं किया, समाज को, देश को नजर में रखते हुए वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, जिसके कारण आज भी उनका नाम जो है बहुत सम्मान से लिया जाता है। दिग्बली मंगल दशम भाव में, विषम राशि में और केतु के रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों के लिए करने के नक्षत्र में बैठने का कारण उनका जीवन बहुत ही कर्मठ और सफल था। जब हम पीवी नरसिम्हा राव जी का चार्ट लेते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी के चार्ट में भी मंगल जो है वो दशम भाव में बैठा हुआ है। यूं तो हम कह सकते हैं कि यह कारक भावों का स्वामी है क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन तृतीय भाव जो है वो पराक्रम भी देता है। और साथ ही हम यहां देखें कि ये जो नक्षत्र है कौन सा नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र आद्र नक्षत्र है जिसकी शक्ति है यत्न शक्ति, यानी यदि कोई भी व्यक्ति यत्नशील होगा तो वो पराक्रमी डेफिनेटली होगा। मंगल जैसा ग्रह जो विषम राशि में फिर बैठा हुआ है और पराक्रमी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो अपना पराक्रम दिखाता ही है। आप लोगों के साथ एक और बहुत सुंदर चार्ट जो है हमारे पास, सुंदर नहीं, सुंदर इस स्थिति में क्योंकि ऐसी ही कुछ वहां पर मंगल जो है वो कन्या राशि का होने के कारण और दशम भाव यानी कि मिथुन राशि में होने के कारण सिमिलर जो हम बोल सकते हैं कि यदि पीवी नरसिम्हा राव जी का जो मंगल है वो भी मिथुन राशि का है तो फिर बाकी सब जहां मंगल मिथुन राशि के होंगे वहां पर बहुत सुंदर पराक्रम उनको दिखाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस चार्ट में मंगल जो है वो अपने ही नक्षत्र मृगशिर नक्षत्र का है तो ऐसा जो व्यक्ति है उन्होंने अपने आजीवन केवल एक अच्छे व्यवसाय की खोज में अपना जीवन लगा दिया और उनकी जो सारी एनर्जीज है केवल एक व्यवसाय, अच्छे व्यवसाय जो उनको सुंदर फल दे सके उसकी खोज में निकल गई। यहां जो मंगल है उनको जो मिला उस पर उन्होंने यत्न किया और काफी कुछ खोज करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मंगल जो है वो एक और क्रूर ग्रह या सूर्य जो एक और मेल प्लैनेट है उसके साथ वहां बैठे हुए हैं जिससे जो सूर्य यहाँ दिग्बली भी हैं जिसके कारण उनका उनका यत्न करना उनके लिए बहुत सारी सफलताएं भी लाता है। और बुध जो है वहां पर रेट्रोग्रेड है तो ऐसा बुध उन्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो अपने लिए लाइफ में बहुत कुछ कर सकें। बुध उनका दशम भाव का भी स्वामी है। लास्ट लेकिन एक नजर हमें देखना ही चाहिए मोहम्मद अली के चार्ट पे, जहां वापस मंगल विषम राशि का अपनी ही राशि का यानी कि मेष राशि का है और क्योंकि कर्क लग्न है दशम भाव में बैठा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र जो कि ये ऐसा नक्षत्र है
जहां मनुष्य आगे बढ़कर अपना नाम कमाना चाहता है और दूसरों नाम शोहरत कमाना चाहता है, अपने पराक्रम के बलबूतों पर बूते पर अपने दिमाग के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता है। शनि जो कर्म कारक है यहाँ नीच के हैं, लेकिन फिर भी रेट्रोग्रेड होने के कारण दिग्बली है, और ऐसा मंगल उनको बाध्य करता है कि वो कार्य करें और अपना नाम और शोहरत प्राप्त करें। तो हम न भूलें कि जब हम मंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें देखने की जरूरत है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। यदि दशम भाव से उसका कोई भी संबंध बनता है, दशम भाव में बैठा हुआ होता है तो बहुत सुंदर बात होती है, क्योंकि वहां पर वो अपनी एनर्जी लगाता ही है। लेकिन यदि वो दशम भाव को दृष्ट भी कर रहा होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो दशम भाव में दिग्बली होता है और दशम भाव में ही काल पुरुष कुंडली के दशम भाव में उच्च का होने के साथ साथ वो अपने ही नक्षत्र जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे का नक्षत्र है वहां वो उच्च होता है। तो फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये हमें बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।